समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी शिवपाल यादव से बातचीत कर रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, और जो भारतीय जनता पार्टी, आपको पता ही है कि किस निम्न स्तर पर इनके नेता चले गए थे। और यहाँ तक कि देखिए, हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो प्रशासनिक प्रयोग किया जा रहा था, और यहाँ तक के अवैध चीजें भी इस चुनाव में प्रयोग की जा रही थी, और इतना देखे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना झूठ भी बोल रहे थे, खुद काम वो काम कर रहे थे, अवैध काम, आरोप लगा रहे थे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पे। इन बीच में हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो देखिए, आपने देखा ही होगा, आपने समीक्षा भी करी होगी, रिजल्ट जो भी आए हैं, तो रिजल्ट आज अगर देख लिया जाए तो स्पष्ट बहुमत की समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। अगर साथ साथ चुनाव हो जाते, आप चाह रहे हैं कि मतलब यूपी चुनाव यहाँ इस वक्त हो, नैतिकता तो इसी में है उत्तर प्रदेश की सरकार को, किनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको योगी आदित्यनाथ, हाँ, इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव कराए, और चुनाव अगर हो जाए तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। जनता ने दे दिया, मैंने दे दिया है। नीतीश कुमार को लेकर सर बड़ी चर्चा थी, वो कल उन्होंने प्रधानमंत्री का सपोर्ट कर दिया है। चल, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, कहाँ उनको जाना है, कहाँ रहना है, है? बड़ी चीज ये है, अखिलेश यादव आप किधर कन्नौज से जीते हैं, अब वो लोकसभा संभालेंगे या नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, आप बताया जा रहा, आपको भी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देखिए, मीटिंग हो गई, निर्णय तो देखिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी ही लेगी। आज अभी विधानमंडल दल की जो भी लोकसभा की मीटिंग है, सभी सांसद भी बुलाए गए हैं, तो सभी वहाँ पर नेता होंगे, तो निर्णय तो पार्टी को लेना है, और जो पार्टी निर्णय लेगी है बखूबी हम तो उसका पालन करेंगे। जी, अखिलेश यादव ने कहा अगर मुलायम सिंह होते तो बहुत खुश होते, आप कैसे देखते हैं, आपका तो बहुत पुराना जुड़ाव। देखिए, अब नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा रहा ही है और रहेगा भी, और हम लोग भी नेताजी के आदर्शों पर भी चलना है, विचारों पर भी चलना है, समाजवादी पार्टी को लेकर के, और निश्चित नेताजी के आदर्शों पर विचारों पर चल करके हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करके फिर समाज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता बातचीत करते हुए, यकीनन मौका भी है, दस्तूर भी है, उसका पूरा फायदा उठा लेना चाहते हैं शिवपाल यादव। इसी वजह से एक तरफ कह रहे हैं कि सीएम इस्तीफा दे, तो दूसरी तरफ अपने लिए भी कोई बड़ा पद वो खुद समाजवादी पार्टी में चाहते हैं, कम से कम उनकी बातों से यही नजर आ रहा है।